हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका केयर्स एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये डबल डोर की रेफ्रिजरेटर पीसीबी का रहेगा, और इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखाऊंगा। ये फॉल्ट भी आप समझ जाओगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो फॉल्ट आ रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखोगे ये दो डायोड लगे हुए हैं, तो इसमें क्या है, एक सप्लाई तो प्रॉपर बन रही थी 15 वोल्ट की सप्लाई, और 12 वोल्ट की सप्लाई ये ड्रॉप हो रही थी। तो हमने इस सप्लाई को जो चेक करा तो यहाँ पर हम इस वोल्टेज रेगुलेटर पे आए, तो जो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई थी तो हमने इसमें से 15 वोल्ट सप्लाई दी तो वो भी ड्रॉप होने लगी, यानी कि सप्लाई हमारी जो है वो 5 वोल्ट जो है वो शॉर्ट है। तो ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये हमने चेक करी इस कैपेसिटर पे, तो हमने ये कैपेसिटर भी ओपन कर दिया, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो आप मीटर में देखोगे उधर आपको साउंड भी नज़र आ रही होगी, यानी कि शॉर्टिंग नज़र आ रही है, तो बीप की साउंड भी आ रही है। तो यहाँ 10 ओम की रेजिस्टेंस आपको दिख रही होगी। तो फिर हमने इस कैपेसिटर पे चेक करा तो ये कैपेसिटर हमने ओपन कर दिया, फिर भी हमारी ये शॉर्टिंग नहीं गई। तो यहाँ पर हमने फिर इसको सर्च करा तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ था, वो भी हमने हटा दिया, तो ये भी यहाँ से भी शॉर्टिंग फिर भी नहीं गई है। तो आप यहाँ पर देखोगे फिर हमने वो कैपेसिटर दोबारा लगा दिया, तो यहाँ पर क्योंकि कैपेसिटर तो ठीक है लेकिन ये लाइन शॉर्ट है। फिर हमने जब इसमें देखा तो इसकी जो आईसी की जो पिन है अंदर जो जा रही है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली जो पिन है, वही ऑलरेडी शॉर्ट है। तो हमने जब यहाँ पर इसको चेक करा, ये सप्लाई पिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर देखोगे सप्लाई जा रही है इस वाली पिन पर, मीटर में आप देखोगे तो इस पर सप्लाई जा रही है। तो ये पिन जो है इसकी दूसरी जो पिन है यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, तो इस पर नेगेटिव सप्लाई है। तो हमने फिर इसकी यहाँ से सप्लाई हटा के हटाने के बाद हम जब इसको चला रहे हैं तब भी ये शॉर्टिंग दिखा रही है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है जब हम इसको हाथ लगाते हैं तो ये यहाँ से इसमें हीट बता रहा है, क्योंकि वैसे क्या है कि यानी कि अंदर से हमारी जो आईसी है वो शॉर्ट हो चुकी है, तो अब ये आईसी ठीक नहीं हो पाएगी, तो हमें इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरीके से आप इसकी शॉर्टिंग भी देख सकते हो। तो जो भी सप्लाई आए उसके लगे हुए कैपेसिटरों को एक बार ओपन करके देख लें, जैसे हमने ये वाला कैपेसिटर ओपन करके देख लिया, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ था वो भी हमने ओपन करके देख लिया, फिर हमने ये वाला कैपेसिटर लगा भी दिया, और उसके बाद भी ये शॉर्टिंग नहीं हटी है, यानी कि जो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है यही शॉर्ट है। अब हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और बोर्ड में से, क्योंकि अलग से तो हमारे पास है नहीं, तो किसी पुराने बोर्ड में से इसको निकालेंगे और फिर हम इसमें लगाएंगे। तो आपको आज हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कोई इसमें कुछ फॉल्ट यदि आ रहा है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए हमने ये वीडियो अपने रोक रखी थी बोर्ड। अब इसको हम ओके कर देंगे तो हम इसके बाद में इसका भी हम वीडियो बना देंगे। तो आज आपने समझा कि पीसीबी में किस तरीके से फॉल्ट आते हैं, किस तरीके से चीज़ें हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। धन्यवाद।